चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने दमोह से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं। आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल आपको दिख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा अभी इस रथ पर सवार हैं और रोड शो लगातार किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी भी इस दौरान है और देखिए रोड शो चुनाव प्रचार करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए दमोह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो तस्वीरें दमोह से हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि गजराज राहुल लोधी हैं दमोह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और राहुल लोधी के समर्थन में ये रोड शो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। रथ पर सवार होकर तमाम दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील भी की जा रही है। बुलडोजर भी आपको नजर आ रहा होगा। देखिए किस तरह से बीजेपी के चुनाव प्रचार में बुलडोजर का भी सहारा लिया जा रहा है और बुलडोजर पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको नजर आ रहे हैं। राहुल लोधी को इस बार लोकसभा का टिकट, हालांकि दमोह से प्रहलाद पटेल सांसद थे लेकिन अभी उन्होंने कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है, विधानसभा का चुनाव लड़े जीते। और अब देखिए फूलों की बारिश भी की जा रही है। राहुल लोधी चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से और राहुल लोधी के पक्ष में ये जनसभा को करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जेसीबी का भी प्रदर्शन, बुलडोजर भी आपको नजर आ रहा होगा बीजेपी के इस चुनाव प्रचार में। और लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जनता से अपील की जा रही है बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की, सरकार की योजनाओं को गिनाया जा रहा है। और देखिए मुख्यमंत्री का स्वागत भी कितने भव्य अंदाज में यहां पर कार्यकर्ता जनता के द्वारा किया जा रहा है। फूलों की बारिश होती हुई और ये चुनाव प्रचार दमोह की तस्वीरें आपके सामने। राहुल लोधी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। थोड़ी देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दमोह में रोड शो हो रहा है, चुनाव प्रचार में जुटे हैं मुख्यमंत्री। सीधे तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। बीडी शर्मा मौजूद हैं, इसके अलावा प्रहलाद पटेल मौजूद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, बीडी शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव, राहुल लोधी बीजेपी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के दमोह से। और दमोह लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए ये जोर आजमाइश भारतीय जनता पार्टी की, ये शक्ति प्रदर्शन और एक विशाल जनसभा को भी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो चुनाव प्रचार में जुटे हैं मुख्यमंत्री, दमोह में रोड शो कर रहे हैं और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए सैकड़ों की तादाद में यहां पर लोग मौजूद हैं, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और लोग मुख्यमंत्री की झलक पाना चाहते हैं। और लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री का दौरा कहीं होता है तो उनको देखने सुनने के लिए उनके चाहने वाले किस तादाद में यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। लोग छतों से देख रहे हैं, बालकनियों से देख रहे हैं, सड़कों पर हैं और पूरा जो माहौल है वो आपको भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा होगा, भगवा में नजर आ रहा होगा। ये तस्वीरें इस वक्त दमोह की सड़कों की हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और रोड शो राहुल लोधी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल लोधी इनके पक्ष में रोड शो कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रहलाद पटेल हालांकि एक बड़ा नाम, दमोह से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं और उनके बेहद करीबी भी माने जाते हैं राहुल लोधी। राहुल लोधी को इस बार टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और राहुल लोधी के समर्थन में ये रोड शो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री का दमोह से, भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी इस रैली में लहराते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और कार्यकर्ता फूलों के साथ, जनता फूलों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही है। प्रहलाद पटेल भी रथ पर सवार हैं, हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और इसी के अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, दमोह बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं और प्रत्याशी के पक्ष में हर मुमकिन कोशिश जोर आजमाइश की जा रही है।
कोशिश। तो लोकसभा चुनाव के